मार्च है तो 31 तारीख को पहुंचे, अप्रैल का अप्रैल को पहुंचे। दूसरा जो प्राइवेट स्कूलों के फीस की लेकर के बात है, उसमें हमने ये कहा है कि इस समय में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी बच्चे से या अभिभावक से फीस नहीं मांगे, ये पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है। इस वक्त अगर कोई प्राइवेट का इंस्टीट्यूट का कोई भी संचालक अगर बच्चों से फीस मांगता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आपको फीस नहीं ले सकते, लेकिन इस समय पर जब तक सरकार की तरफ से पूरी तरीके से इसको समीक्षा करने के उपरांत नहीं कहा जाता, तब तक वो किसी भी बच्चे से किसी अभिभावक से फीस नहीं, सैलरी वगैरह स्टाफ की बराबर देनी पड़ेगी, बराबर 31 मार्च को मार्च की देनी पड़ेगी, अप्रैल को अप्रैल की देनी पड़ेगी। एक भी व्यक्ति की ये कह करके कि मैं अभी स्कूलें नहीं चल रही हैं या छुट्टियां हैं, मैं आपकी वेतन नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया, शिकायत आएगी तो जांच कराने के उपरांत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी मान्यता निरस्त। एक सरकारी टीचर है जो छुट्टी पर चले गए हैं और उनके सभी शिक्षा विभाग के तमाम कर्मचारियों को, शिक्षकों को हमने हेडक्वार्टर के लिए पाबंद किया था, उनको घर जाने के लिए किसी ने नहीं कहा था। उनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कहीं कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो वो वहाँ के CBO या वहाँ के SDM, लोकल SDM जो ब्लॉक का है, उसको ये देखना है कि किन परिस्थितियों में ये शिक्षक या कार्मिक नहीं आ रहा है, वो उनके ऊपर हमने छोड़ा गया है। लेकिन किसी को भी राज्य सरकार इस विपदा के समय में जिला कलेक्टर, SDM या DO या CBO अगर उसकी ड्यूटी लगाया जाता है तो उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, कल एक बात आई थी कि महिला कार्मिकों को रात को ड्यूटी लगाई जाती है पुरुष कार्मिकों के साथ में या अकेले में, तो उसको हमने छूट के लिए कहा है कि नहीं, किसी भी महिला कार्मिक की आप रात्रि में ड्यूटी नहीं लगाएंगे। और मैं समझता हूं कोई ऐसी परिस्थिति हो तो लोकल जो अधिकारी है, चाहे CBO हो, चाहे DO हो या PO हो, वो देख ले कि उस कार्मिक की क्या परेशानी है। वो परेशानी अगर उसको लगता है स्वयं व्यक्ति से कि वाजिब है तो वो उसको छूट दे सकता है। सर कुछ कर्मचारी बहाने भी निकाल रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में भी अगर कोई भी कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा विभाग का